In substitute period, we will have storytelling session. And next story is by Sarthak. He is going to narrate story in Hindi. कहानी का नाम क्या है बेटा? लक्कड़हरा. Okay, Sarthak कहानी बताने जा रहा है. कहानी का नाम है लक्कड़हरा. तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है Sarthak. Come on, over to you. सुप्रभात. मेरा नाम सार्थक पवार है. मैं कक्षा छठी ब में पढ़ता हूँ. मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. मेरे कहानी का शीर्षक है लक्कड़हरा. एक गांव में दो भाई रहते थे. वह उनकी परिस्थिति बहुत ही गरीब थी. और वह अपना गुजारा लकड़ी बेच कर करते थे. एक दिन लक्कड़हरा नदी के किनारे एक लकड़ी पेड़ काटने जा रहा था. तभी उसका भाई उसके पीछे से छिप के जा रहा था. फिर वह अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था. तब उसकी कुल्हाड़ी पानी में जाकर गिर गई. फिर वो रोने लगा. फिर उसके बाद उस नदी में से एक देवी निकल आई और कहा, बालक तुम क्यों रो रहे हो? वो लक्कड़हरा बोला कि मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई. फिर वो देवी एक कुल्हाड़ी देती है और एक सोने की कुल्हाड़ी देती है और कहती है, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वो बोलता है, नहीं. फिर एक चांदी की देती है. फिर वो बोलती है, ये क्या तुम्हारी है? फिर वो बोलता है, नहीं. फिर अपने जो वो पेड़ काट रहा था वो वाली कुल्हाड़ी देती है और बोलती है, ये क्या तुम्हारी है? फिर वो लक्कड़हरा बोलता है, हाँ, यह मेरी है. फिर उसके बाद फिर वह देवी वो उसके सच बोलने से उसको तीन ही कुल्हाड़ियाँ देती है. फिर वह उसका भाई वही था. वह पेड़ के पीछे छुपा था. वह सारी बातें सुन रहा था. फिर एक दिन वह भी वैसा ही करने लगा. उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिरी. फिर वह देवी फिर से निकल आई और बोली कि बालक सोने की कुल्हाड़ी देकर बोली कि बालक, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर वह बोला कि हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है. फिर उसके बाद वह उसको पता चल गया, देवी को पता चल गया कि उसकी कुल्हाड़ी यह नहीं है. फिर उसके झूठ बोलने के कारण वह उसको बहुत पछताना पड़ा. धन्यवाद. ओके. इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. वेरी गुड. तो सीख क्या थी? कभी झूठ नहीं बोलना. कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. कभी झूठ करके. हाँ, चलो. लालच बुरी बला है. ओके. हाँ, लालच करने के मतलब से हमें बहुत कुछ चीजें गंवानी भी पड़ती है. वेरी गुड. तुम क्या? ओके. झूठ बस बोलो. ओके.